21 जुलाई शहीद दिवस की ऐतिहासिक वर्चुअल महारैली को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संबोधित किया। इस वर्चुअल रैली को राज्य के हर बूथों पर तृणमूल समर्थकों ने ज्वाइंट स्क्रीनिंग से देखा। वहीं दक्षिण कोलकाता के विभिन्न इलाकों जैसे रासबिहारी में 87 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस, दक्षिण कोलकाता युवा कांग्रेस और 71 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने अपने बूथों पर बनाए गए शहीद वेदी पर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद दिवस का पालन किया। तृणमूल नेता मदन मित्रा ने ऐतिहासिक वर्चुअल सभा के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारा वेदर अपना हवा बदलते हैं, ऐसा 21 जुलाई हर बार अपना दिशा बदलते हैं। और ये मान लीजिए कि 27 साल में ये सबसे पहला 21 जुलाई जहां मैदान में कोई नहीं था, लेकिन घर घर में लाखों करोड़ों आदमी शामिल हुए थे, लेकिन जनसभा नहीं हुआ, पूरा से पूरा नेटवर्क की सभा हुआ। 27 साल में ही हुआ लास्ट 21 जुलाई, क्योंकि इसका बाद जो होगा वो होगा थर्ड टाइम तृणमूल कांग्रेस बंगाल की शासन में हैट्रिक करने के बाद 2021 में 21 जुलाई होगा। और मेरा ख्याल में ऐसा भी हो सकता है कि 21 जुलाई 2021 कलकत्ता में ना होकर अगर दिल्ली बोट क्लब में हो जाए तो मैं आश्चर्य नहीं होंगे, क्योंकि अभी तृणमूल को जो काम है खाली बंगाल की देखभाल नहीं कि ममता बनर्जी को सामने रखकर अभी BGM जो बंगलार गर्व ममता है उसको भारत गर्व ममता बनाना चाहिए। और अभी बंगाल देश की परिचालन में नेतृत्व देंगे।